तो चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को, विदिप्ता चक्रवर्ती। क्या हो रहा है इंडियन आइडल के सेट पर? मुझे लग रहा है कि विदिप्ता ने तो वो गाया है कि जेन्युइनली ऐतिहासिक परफॉर्मेंस है आज का। थैंक यू सो मच सर। ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम एक कंटेस्टेंट हो, ऐसा लगता है कि तुम 400-500 गाने गाकर फिर से एक बार यहाँ पर परफॉर्म करने आई हो। विदिप्ता, यू आर सो कॉन्फिडेंट एंड तुम्हारे सुर इतने अच्छे लगते हैं कि जेन्युइनली अगेन तुम्हारे बारे में भी यही कह सकता हूँ कि जिस तरह ऋषि को मैं टॉप 5 में देखता हूँ, तुम्हें डेफिनेटली टॉप 5 में देखता हूँ। बहुत अच्छा, फैंटास्टिक। बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ, खासकर न्यू कमर में, और आपके सोनी के जरिए जो बार बार रियलिटी शो आता है, इतना अच्छा आता है, इतना बढ़िया होता है, उसमें देख रहा हूँ कि इनके गाने में दो तीन चीज बहुत उभर कर आई। एक तो ठहराव है, दूसरा क्लैरिटी है, और मुद्रा बहुत रिलैक्स्ड है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रस्तुतिकरण किया, बहुत अच्छे से पेश की। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कुछ दोस्तों ने आपकी बहुत तारीफ की है, हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं जो यहाँ आए थे, सुभाष गई थे,
इनके भाई हैं, उन्होंने बहुत तारीफ की आपकी। दीप्ता, क्या आप हीरोइन बनना पसंद करेंगी? और मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि आपका भविष्य वाकई बहुत उज्जवल है, सुंदर। थैंक यू सो मच। और विदिप्ता, आपने मौसम बदल दिया। गानों से मुझे याद आया कि गाना था तू शायर है मैं तेरी शायरी, तो हम तू शायर है ये चल रहा था, तो मुझे जो हमारे कोरियोग्राफर थे चिन्नी प्रकाश, उन्होंने कहा इसके लिए आपको एक मूवमेंट बहुत कमाल की देता हूँ मैं, तू शायर है, तू शायर है। अच्छा, और मैंने, मुझे जब ये दिखाया तो मैंने बोला ये क्या मूवमेंट हुई, ये कौन सा शायर है, ये कैसा शायर होता है। तो मैंने सोचा नहीं नहीं कुछ और हो सकता है, तो ही वॉज वेरी एडामेंट, नहीं नहीं आप देखना ये फेमस होगा। तो मैंने कहा मुझे पता नहीं, मतलब एक कर लेती हूँ, ऐसे कोई ये नहीं है, सो आई डिड इट। और मुझे कभी मतलब सपने में भी नहीं सोचा था कि ये एक्शन इतनी फेमस हो जाएगी। मैंने पता है आपका माई नहीं माई देखा था गाना जो आपने गाया था तभी, और सूरज जी भी यहाँ पे थे और उन्होंने कुछ कहा था आपको। सिंगर तो आप हैं ही, बट कभी मन हो, हल्का सा भी मन हो टू बिकम अ एक्ट्रेस, राष्ट्रीय हीरोइन बहुत अच्छी तरह से करोगे आप। मैं चाहूंगी कि मैं आपको एक डायलॉग देती हूँ, मेरा ही डायलॉग है मेरी फिल्म का, और आप उसे एक बार एक्सप्रेशंस के साथ बोल के मुझे बता देना। ओके, ये मेरा दिल तो पागल है में था ये डायलॉग, तो डायलॉग है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे लिए बनाया गया है और कभी ना कभी मैं उसे जरूर मिलूंगी। ये डायलॉग आपको बोलना है, रोमांटिक डायलॉग है, आपको अगर इंस्पिरेशन चाहिए तो आप यहाँ किसी को भी देख के बोल सकते हैं, बैठे यहाँ पे किसी को भी, किसी नहीं ऋषि को भी देख के बोल सकते हैं, क्यों नहीं, किसी को भी, ऋषि को भी, किसी को भी, ऋषि को भी, किसी को भी आप देख के बोल सकते हैं डायलॉग, है ना। सो कैन यू से द डायलॉग, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे लिए बनाया गया है और कभी ना कभी मैं उससे ज़रूर मिलूंगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड, थैंक यू, बहुत अच्छे, मज़ा आ गया। हम भारत वाले हैं, भारत वाले हैं हम,
वही भारत जिसका मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम। हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ अपने लिए नहीं होती, पूरी मानवता के लिए होती हैं। हमारी आंखें हर किसी के दुख में रोती हैं। हम कामना करते हैं कि दुनिया में कहीं कोई भूखा ना सोए, कोई बेबसी के आंसू न रोए, सब अपने हों, कोई पराया न रहे, किसी के आंगन में बदनसीबी का साया न रहे, किसी बहन के सर से दुपट्टा न खींचे, जमीनें फसलों से भरी रहें, अब दुनिया में कहीं बारूद न बिछे, मौसम कोई भी हो, अमन चैन का बादल बरसता रहे, नन्हे हाथों में पेंसिल और कंधे पे बसता रहे, इंसानियत बच्चे की तरह मुस्कराए और भारतवर्ष पिता की तरह हंसता रहे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.